गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज 16 तारीख है और जश्न ईद मिलादुन नबी, सभी को मुबारक हो, बहुत दिल से मुबारक हो, तहे दिल से मुबारक हो। सो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मैं आज हूँ मौजूद सबसे पहले तो राजसमंद जिले में और मैं यहाँ पर आपको जश्न ईद मिलादुन नबी का पूरा जुलूस दिखाऊंगा और खुद एक्सप्लोर करूंगा, खुद एक्सपीरियंस करूंगा। काफी अच्छी सजावट थी, रात को मैंने शूट किया, वहां पर भी काफी अच्छी सजावट थी, वो मैं सब एड करूंगा आपको इस वीडियो में। तो फाइनली गाइस आज अभी मैं जा रहा हूं आपको यहां पे कुछ जगह एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैं आज आपको एक्सप्लोर करूंगा यहां की सबसे फेमस दरगाह, मामा भाणेज की दरगाह, जो काफी साल पहले मैं आया था गाइस। मैं यहां पर 10 साल बाद आया हूं, 9 साल हो गए मुझे, 2016 की बात है, तो तब आया था मैं। तो मैं सभी जगह एक्सप्लोर कर चुका हूं, लेकिन आप लोग मेरे साथ जो भी मेरे सब्सक्राइबर उन सभी ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आज शूट कर दूंगा आपको। माम बाणेज की दरगाह ऊपर है, काफी पहाड़ी के ऊपर है, आप देख सकते हैं पहाड़ी दिख रही है आपको, काफी हाइट में पहाड़ी है, ऊपर ले जाएंगे आपको दिखाएंगे लोकेशन कहाँ पर है, तो वहाँ का आपको शूट करके वहाँ की जारत कराएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे हम नौचौकी, जहाँ पर बहुत बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है और काफी पॉपुलर है इस जगह की, वो भी आपको विजिट कराएंगे। और जिसने मैंने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि आज 16 तारीख है, पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा, एडिटिंग करने के बाद में मैं अभी बांसवाड़ा से निकला हूं, तो पूरी सीरीज चालू है, उस सीरीज में मेरे जयसमंद झील कवर करी मैंने, और आपको उदयपुर की जो मस्तान बाबा की दरगाह है वो मैं उसका आपको जारत कर रही है, उसको मैंने भी जारत की वहां पे, वो वीडियो भी आप देखिएगा। मैं सीरीज वाइज सीरीज उस वीडियो को अपलोड करता रहूंगा, और ये वीडियो भी माम भाणेज का अभी आप देख रहे हो, तो ये मैंने अभी अपलोड किया, उससे पहले वाले मैंने ये 3-4 व्लॉग अपलोड कर दिए होंगे, वो आप देख लेना। और इसके बाद में ये झील का वीडियो रहेगा, और आपको 2 बजते ही यहाँ पे जुलूस है जो 2 बजे निकलेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ चलो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके देता हूँ ऊपर का दरगाह का और झील का, तो उसके बाद में जश्न ईद नबी यहाँ से करके पूरा रात को प्रोग्राम, शाम दिन का पूरा प्रोग्राम निपटा के दोपहर का फिर आपको और भी जो भी एक्सप्लोर करने की जगह होगी वो आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो माम बाणेज की दरगाह और ईद मिलादुन नबी यहाँ राजसमंद की और मस्त बाबा की दरगाह को जारत कर पाए। और ये 2-5 बजे बाद स्टार्ट होगी पूरे जुलूस के बाद, तो यहाँ का भी आपको एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कितना तपीले चढ़े हुए और सारा इंतजाम लगा हुआ, यही हुसैनी चौक है यहाँ पे, और मैं भी जा रहा हूँ राजसमंद के चौक पे, वहाँ से दरगाह एक्सप्लोर करेंगे आपको। देखिए रास्ता जाता माम बाणेज का, तो आपको पीछे से ले जाएंगे, यहाँ से पिघल जाते हैं और यहाँ से जाया जाता हाईवे 2 होते हुए ऊपर, तो आपको डायरेक्ट पहाड़ी पे हम ले जा रहे हैं। तो बस वीडियो में ऐसे ही बने रही है, तो आपने क्या क्या देखा, हाथी भी देखा, कितने हाथी देखे, तो 2 हाथी देखे। कबूतरखाना नगर परिषद का ये बोर्ड यहाँ पे, कबूतरखाना राजनगर, ये मतलब देखिए पुराना काफी, ये सब्जी मंडी बड़ी यहाँ पे, और ये काफी खूबसूरत ये ऑटो स्टैंड है यहाँ पे, और सामने राजसमंद लिखा हुआ आपको देख रहे होंगे। मेन हाईवे यहीं से मतलब उदयपुर का रास्ता आपको मतलब हाईवे मिलेगा, हम यहाँ से कट के आपको दरगाह की इजाजत कराएंगे, तो वीडियो बने रहिएगा और सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, मामा भाणेज की इजाजत करेंगे आपको। कैमरा मैन अभी पापा बन गए, बस ये शूट करेंगे आप दिखाएंगे। Yeah.
इतना बड़ा परिसर है और पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, कितनी खूबसूरत दरगाह। यहाँ पर वजू खाना है, देखिए, और मस्जिद भी इधर, देखिए माशाल्लाह इतना जबरदस्त वजू खाना, इतना अच्छा। और ये देखिए पूरा परिसर, ये महफिल खाना दरगाह शरीफ उधर है उस तरफ, उधर महफिल होती है ऊपर, और ये दरगाह महा वाणिज की, देखिए आप उसी ने मिल। चलते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। दरगाह शरीफ हमने ज़ायरत कर दी आपको, हमने भी कर ली, तो बस यहाँ सब निकलेंगे। आप देख सकते हैं पीछे कितना जबरदस्त बैकग्राउंड है। इस तरीके के दरगाह शरीफ के वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम ऑल इंडिया दरगाह शरीफ की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। एक महल भी बना हुआ इधर देख सकते हो, आगे से फोटो भी लेंगे हम, आपको दिखाएंगे आगे का महल है पूरा ये। और ये दरगाह शरीफ, माम भाणेज दरगाह शरीफ, यहाँ की हिस्ट्री भी मैं लिख के डाल दूंगा आपको कि यहाँ का क्या हिस्ट्री है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं, तो बस चलते हैं आपको ईद मिलाद नबी का जुलूस को दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, वो अगले पार्ट में आएगी आपको इस वीडियो के बाद में। ऊपर साइड में एंड स्क्रीन में शो हो रही होगी वो वीडियो, तो वहाँ जाके फटाफट वो वीडियो देखिए और आगे शेयर कीजिए। गाइस, और आपको एक अच्छी लोकेशन दिखा रहे हैं हम, देखिए व्यू दे रहा हूँ बहुत जबरदस्त जगह का। इधर से आपको पूरा रास्ता मैं दिखाऊंगा, मैं सोचा यहाँ आया हूँ तो यहाँ की जगह भी एक्सप्लोर करके जाऊँ, ये व्यू आपको दे के जाऊँ। ये राजा महाराजा की सबसे बना हुआ है ना, हाँ हिस्ट्री है, देखिए किस तरीके का जंगल है।
जल्दी भी हो रही है, हमको जूस में भी जाना है। तो चलो आपको देखो, आपको नो चुकी की झील भी नो चुकी क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए पूरा रास्ता मन यहाँ से देखिए माशाल्लाह, ये पूरा पहाड़ों के बीच बसा हुआ सिटी है। ये राजसमंद ज्यादा इतना बड़ा डेवलप नहीं है, आप देख सकते हो वहां से वहां तक ये पूरा। उधर से हाईवे जहाँ से उदयपुर से बनाए थे वो हाईवे जा रहा, देखिए माशाल्लाह काफी ग्रीन एवर ग्रीन। देखिए इधर ये महाम भरती दरगाह, इधर महल सबसे पहले स्टार्ट हो रहा महल, इधर नो चुकी महाम भरती दरगाह, वही देखिए पानी ही पानी, राजसमंद झील, और ये देखिए पूरा राजसमंद इधर। मतलब कितनी अच्छी सिटी है, मतलब काफी खूबसूरत सिटी है। देखिए वो पूरी पाल दिख रही है आपको, देखिए वहाँ। लेकिन अभी हम जा नहीं पा रहे क्योंकि जुलूस में हम लेट हो रहे, तो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, नहीं तो वहाँ जाना काफ़ी आसान है और बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ पे, देख सकते हो। छतरी बनी हुई है वहाँ पे, सभी लोग घूमने के हिसाब से टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस वही है राजसमंद का। तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लोर करेंगे, हो सकेगा तो आपको मैं दिखा दूंगा जल्दी जल्दी। हाँ आप व्यूवर को मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं अकेला जाके दिखाऊंगा, फैमिली को नहीं ले जाऊंगा, कोई फैमिली को इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, दिक्कत आती है। तो फटाफट मैं अकेला जाके आपको वो झील का भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय, और इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला एपिसोड है वो आप देख लेना, यहाँ का मिलेगा आपको, मतलब नदी का। तो तब तक के लिए बाय।